हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज चलिए एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है एक BDSM लवर हस्बैंड की और उसकी वाइफ की। जब एक वाइफ को ये चीज पता चलती है कि उसका हस्बैंड BDSM की सेशंस लेता है किसी लेडी के पास, तो वो कैसे रिएक्ट करती है, क्या उसके माइंड में आता है और क्या वो करती है। बिकॉज देखिए, सभी एक चीज जानते हैं कि कोई भी वाइफ या कोई भी हस्बैंड अपने पार्टनर को, कोई भी कपल मतलब अपने पार्टनर को किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता है। और जब उसको ये चीजें पता चलती हैं कि मेरा हस्बैंड जो है वो किसी फीमेल से BDSM, और BDSM कितना मतलब पेनफुल होता है, कितना अजीब सा एक टास्क होता है, वो जब एक वाइफ को पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कुछ अजीब ही होने वाला है। तो अब भी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। साक्षी और सुमित दोनों हस्बैंड वाइफ थे। दोनों की जो लाइफ है वो नॉर्मल चल रही थी। देखिए, शादी के स्टार्टिंग में हस्बैंड वाइफ में एक क्रेज होता है एक दूसरे के साथ, ज्यादा वो दोनों टाइम देते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है वैसे वैसे एक दूसरे को टाइम देना जो कम हो जाता टाइम जो है देना वो कम हो जाता है। बिकॉज बच्चे हो जाते हैं, हर हस्बैंड जो होते हैं वो भी अपनी जॉब में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मतलब इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनको भी उतना टाइम नहीं मिलता है वाइफ के साथ। और वाइफ भी बच्चों की केयर में, कई बार फैमिली भी साथ में रहती है, उसके चक्कर में हस्बैंड को इतना टाइम नहीं दे पाती है। और दोनों की जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मतलब समझ सकते हैं, कोई भी न्यूली मैरिड कपल होता है और जहां दो बच्चे हो जाते हैं उसके बाद इतना टाइम वो एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दोनों की ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत हाई हो जाती हैं। और उस चक्कर में दोनों का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे एक नॉर्मल हो जाता है, उसमें एक्साइटमेंट वगैरह बहुत बार मतलब ज्यादातर कपल्स में कम हो जाती है। और जहां एक मतलब सेक्सुअल लाइफ की बात आती है वहां पर तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ जाता है। बट जेंट्स की जो थॉट्स होती हैं, जेंट्स की जो फीलिंग्स होती हैं, वो देखिए हमेशा अपनी वाइफ से वही रहती हैं। उसको हमेशा वही लगता है कि ये मुझे आज भी ऐसे ही ट्रीट करे। बट लेडीज का क्या रहता है कि वो अपनी घर की जिम्मेवारियों में, बच्चों की जिम्मेवारियों में इतनी फंस जाती हैं कि जब हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम आता है तो उनको लगता है कि चलो फटाफट अपना काम खत्म करते हैं और सो जाते हैं। और यही चीज कई बार हस्बैंड्स को ले जाती है किसी और लेडी के पास। ऐसे ही हुआ सुमित के साथ। सुमित को देखिए, मतलब BDSM में होता क्या है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुकी हूँ। तो BDSM एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें जेंट्स को बहुत ज्यादा पेन दिया जाता है, एक सेक्सुअल ही एक्ट होता है। बट इसमें जो सेटिस्फाइंग लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बिकॉज पहले किसी को हद से ज्यादा पेन करना, उसको पेन पेन में मजा देना, वो चीज बहुत अलग हो जाती है। तो सुमित को भी यही शौक था। बट साक्षी उसके साथ ये सब कभी नहीं करती थी। बट स्टार्टिंग में साक्षी फिर भी सुमित की हर बात मानती थी। बट धीरे धीरे होता क्या है कि साक्षी अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में इतनी बिजी हो जाती है कि वो सुमित के साथ वो सब चीजें नहीं कर पाती है। और सुमित को एक ऐसे ही दूसरी लेडी मिल जाती है जो सुमित की सारी इच्छाएं पूरी करती है। सुमित उसके पास जाते हैं, उससे BDSM की सेशन लेते हैं, अपने आप को हर्ट करवाना, अपने आप को बंधवाना, अपना मुंह बंधवाकर उसके मतलब हर जुल्म को सहना, उससे मार खाना, मतलब ये सब सुमित करते हैं। बट साक्षी सुमित पर इतना ध्यान नहीं देती है कि सुमित की जो बॉडी पर निशान है या सुमित की बॉडी पर हंटर के निशान है या मार के निशान है या उसकी जो मतलब उसकी जो मिस्ट्रेस थी उसके
पैरों के उसके सैंडल्स के निशान है, उसके नेल्स से नोचने के निशान है। साक्षी उस पर इतना ध्यान नहीं देती थी, उसने कभी इस चीज पर गौर नहीं किया कि उसके हस्बैंड की बॉडी पर किसी लेडी के ऐसे मार्क्स भी हैं। वो किसी और से ये सब काम करवाता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। बट सुमित से एक गलती होती है कि वो एक बार अपने एक सेशन की वीडियो बनाकर अपने फोन में रख लेता है, बिकॉज सुमित को भी ये चीज पता थी कि वो मैरिड है, दो बच्चों का बाप है, और अगर कोई टाइम ऐसा आया कि वो अपनी जो मिस्ट्रेस है उसके पास नहीं जा पाएगा, तो खुद को और अपनी मिस्ट्रेस की जो सेशन थी उसको वो एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि उसको उसे देखकर अच्छा लगे और वो उस पल को देखकर जी पाए। बट फोन में ऐसी कोई भी चीज रखना क्या सही था सुमित के लिए? बिल्कुल नहीं था। एक बार साक्षी ऐसे ही सुमित का फोन उठा लेती है और उसमें वो ऐसे ही गैलरी चेक कर रही होती है, तो गैलरी में उसको सुमित और उसकी जो मिस्ट्रेस थी उसका वो वीडियो दिख जाता है। वीडियो देखकर साक्षी की जो आंखें हैं वो एकदम से खुले की खुले रह जाती हैं। वीडियो में साक्षी देखती है कि सुमित की जो फ्रेंड थी वो सुमित को ऐसे बेड पर बांध देती है, उसके दोनों हाथ पैरों को बेड पर बांध देती है, उसकी आंखों को कवर कर देती है, कई बार उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है, सॉक्स वगैरह डाल देती है, और उसके बाद वो उसके छाती पर, उसके पेट पर पैर रखती है, उसके पैरों पर खड़ी हो जाती है, उसको बहुत ही बुरी तरीके से ह्यूमिलेट करती है, अपने जो हील्स होते हैं वो उसकी छाती पर रख देती है, अपने पैर जो होते हैं वो उसके मुंह में डाल देती है। मतलब एक अजीब सी चीज देखती है साक्षी, और साक्षी को ये सब देखकर यकीन नहीं होता है कि सुमित ये सब क्या करते हैं। वो एकदम से मतलब सुन रह जाती है कि आखिर ये सुमित कर क्या रहा है, और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। बट साक्षी उस वीडियो को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती है, और ऐसे ही फिर साक्षी सुमित से धीरे धीरे बात भी कम करने लगती है, और वो उससे ना एक दूरी सी बना लेती है, और सुमित को ये चीज समझ में आती है कि साक्षी उससे किसी ना किसी चीज को लेकर नाराज है। बट साक्षी सुमित से ये चीज पूछ भी नहीं पाती है, बिकॉज उसको ये एक्ट समझ ही नहीं आया था। वो एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ थी, उसको इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बट होता है ना, हस्बैंड को जब ये लग रहा है कि वाइफ के माइंड में कुछ चल रहा है, तो सुमित एक बार उससे पूछते हैं कि साक्षी आखिर हुआ क्या, तुम आजकल बहुत परेशान रहती हो, बहुत उखड़ी उखड़ी रहती हो, तुम मुझे बताती नहीं हो कि आखिर बात क्या हुई है। साक्षी बोल देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट सुमित उसको फोर्स करते हैं बताने के लिए कि आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है। साक्षी सुमित को बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट सुमित उसको छोड़ने ही नहीं वाले थे। बिल्कुल उसने सोच ही लिया था कि वो साक्षी के मन की बात जानकर रहेगा। तो साक्षी जोर जोर से रोने लग जाती है और सुमित को बोलती है कि सुमित तुम मेरे होते हुए किसी और वाइफ को ऐसे टच करते हो, उससे ऐसी सजाएं लेते हो, उसके साथ ऐसे एक्ट करते हो, किसी औरत के पैर तुम अपनी छाती पर रखवाते हो, किसी से हंटर खाते हो, किसी के फीट हैं वो तुम सक करते हो, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है कि आखिर तुम ऐसा करते क्यों हो। सुमित की जो चोरी थी वो पकड़ी गई थी, सुमित छुपते छुपाते ये सब करते थे, बट साक्षी को सब पता चल जाता है, और साक्षी बहुत तेज तेज रो रही थी। सुमित उसको चुप करवाने की कोशिश करते हैं, बट साक्षी बोल देती है कि मैं हर जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ, बट तुमने मुझे चीट किया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तो सुमित को भी गुस्सा आ जाता है, और सुमित उसको बोलते हैं कि बाकी सब जिम्मेवारियों निभाते निभाते तुम मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरी जो सेटिस्फेक्शन है उसको तो भूल ही गई हो। हमेशा एक ही तरह से सेक्स करना, सिंपली सिर्फ ये सोचना कि ये मेरा एक काम है, इसको खत्म करना है और उसके बाद मुझे रेस्ट करना है, कोई नई मतलब कोई नयापन नहीं सेक्सुअल लाइफ में हमारी, जो है वो बोरिंग क्या मतलब बद से बदतर हो गई है, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करते हो जो मुझे चाहिए, और इस घुटन में मैं उस लेडी के पास चला गया।
सुमित गुस्से में ये सब कह के बाहर चले जाते हैं घर के, और साक्षी जो है वो रो रही होती है बेड पर बैठकर, बट सुमित तो बाहर चला गया था। साक्षी बैठे बैठे दिमाग चला रही होती है कि आखिर अब मैं करूं क्या। सुमित तो उस औरत के चक्कर में इतना बुरी तरह फंस गया है और ये सुमित की फैंटेसी है, सुमित इसको छोड़ेंगे नहीं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि सुमित उससे दूर हो जाए। बिकॉज कोई भी वाइफ ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड किसी और लेडी के साथ ऐसा कुछ करे जो उसको नहीं करना चाहिए। और BDSM के जो एक्ट होते हैं वो सबके बस की बात नहीं होती है, कोई भी फीमेल उनको नॉर्मली नहीं कर सकती है, बिकॉज किसी भी फीमेल का दिल जो है वो इतना कठोर नहीं होता है कि वो किसी भी मर्द को इतनी बुरी सजा दे सके, और खासकर अपने हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं, वो उसको हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। शाम को सुमित जब घर आते हैं तो जैसे ही सुमित दरवाजा खोलते हैं साक्षी नॉर्मल सी उसको दिखाई देती है। साक्षी उसको चाय वाय पूछती है तो सुमित मना कर देते हैं कि नहीं मुझे कोई चाय नहीं पीनी है, और सुमित अपने जो रूम में है वो चले जाते हैं। साक्षी किचन से एक ग्लास लेकर दूसरे रूम में जाती है तो सुमित को डर लगता है कि आखिर आज साक्षी करने क्या वाली है। सुमित के माइंड में आता है कि कहीं साक्षी कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, कहीं वो कुछ गलत खा पी ना ले। साक्षी अपने जो रूम है उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और सुमित बाहर से उसको आवाजें लगाते रहते हैं। साक्षी कुछ रिएक्शन ही नहीं देती है, बस रूम के अंदर से कुछ हल्की फुल्की आवाजें आ रही थी तो सुमित को लग रहा था कि साक्षी बिल्कुल ठीक है, बट सुमित अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा खुलता है तो सुमित की जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती है। साक्षी ने शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है, शॉर्ट ड्रेस, बालों को खुला उसने छोड़ा होता है। साक्षी ने बड़ी बड़ी हील्स डाली होती हैं पैरों में, एकदम से जो हॉट लेडी होती है उसका जो लुक है वो साक्षी ने क्रिएट किया होता है। रेड कलर की लिपस्टिक, खुले बाल, मतलब शॉर्ट ड्रेस, पैरों में लॉन्ग हाई हील्स, और हाथ में वो अपने हस्बैंड की, सुमित की जो है उसने बेल्ट पकड़ी होती है, और दरवाजा खोलकर वो सुमित को अंदर खींच लेती है। जैसे ही वो उसको अंदर खींचती है सुमित बोलते हैं कि ये क्या है, आखिर तुम कर क्या रही हो। तो साक्षी सुमित के मुंह में एक चुन्नी बांध देती है और सुमित को बेड पर लिटा देती है। सुमित को समझ में नहीं आता है कि साक्षी को आखिर हुआ क्या है। उसके बाद साक्षी उसके पैरों को बांध देती है, उसके हाथों को बांध देती है, और सुमित को ये चीज अच्छी भी लग रही थी बिकॉज इस चीज के लिए ही वो किसी और लेडी के पास जाता था, बट आज उसकी वाइफ उसके साथ ये सब कर रही थी तो सुमित को अंदर से अच्छी फीलिंग भी आ रही थी, सुमित उस चीज को एंजॉय भी करने लगे थे। साक्षी ऐसे ही अपनी हील्स सुमित की छाती पर रख देती है और अपनी जो हील्स से उसके ऐसे मतलब घुमा देती है कि सुमित को पेन शुरू हो जाता है। सुमित के कान पर वो अपनी हील रख देती है और उसको ऐसे हिला देती है, नोच देती है, उसके बालों को पकड़ के खींचती है और फिर अपनी हील्स वगैरह उतार के वो सुमित के पेट पे बैठ जाती है और अपने जो पैर हैं वो सुमित के मुंह में डाल देती है, उससे अपने फीट के जो मतलब फीट है वो सक करवाती है, उनको किस करवाती है और बोलती भी है कि इनको किस करो, इनको सक करो। मतलब साक्षी एक BDSM का एक्ट करती है अपने हस्बैंड के साथ, वो उसके पैरों के तलवों पर बेल्ट से मारती भी है, उसकी पिटाई भी करती है। तो ऐसे सुमित को वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और उस टॉर्चर के बाद दोनों मतलब थक जाते हैं, दोनों का ऑर्गेज्म हो जाता है, दोनों अपना जो टाइम है वो स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद साक्षी सुमित को छोड़ देती है उसके हाल पर और बोलती है कि तुम्हें जब भी ऐसा कुछ चाहिए तुम मुझे बोल देना, मैं जैसे भी होगा तुम्हें
खुश करने की कोशिश करूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सुमित और साक्षी दोनों, मतलब साक्षी का भी जो गुस्सा था सुमित पर, वो उसको ऐसे टॉर्चर करके कुछ हल्का हो गया था, बिकॉज साक्षी को पता था कि सुमित ऐसे ऐसे किसी औरत के पास जाता था, और सुमित को जब उसने ऐसे टॉर्चर किया था तो उसकी अंदर से उसका मन हल्का हो गया था कि मैंने उस चीज का बदला सुमित से ले लिया, और सुमित अंदर से सेटिस्फाई हो गए थे कि साक्षी ने मेरे साथ वो किया जो उसको पसंद था। तो फिर सुमित साक्षी से पूछते हैं कि तुम ग्लास में आखिर क्या लेकर गई थी, तो साक्षी उसको बताती हैं कि मैंने उसमें नशे की जो दवाई है वो ली थी, बिकॉज नॉर्मली मैं ये चीज आपके साथ कभी नहीं कर सकती हूँ कि मैं आपको ऐसे टॉर्चर करूँ। सुमित को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, उसको अंदर से बहुत बुरी फीलिंग आती है, तो सुमित बोलते हैं कि सॉरी साक्षी, मैं अपने फैंटेसी में इतना अंधा हो गया था कि मुझे तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं वो दिखाई ही नहीं दी, बट हम आज से एक फैसला लेंगे, एक डिसीजन लेते हैं कि हम एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं उनका पूरा ध्यान रखेंगे, एक दूसरे को सेक्सुअली टाइम देंगे और अच्छे से टाइम देंगे, ये नहीं कि एक ड्यूटी है उसको खत्म किया और बात खत्म। दोनों आपस में बातचीत करके अपने जो मन की बात है उसको सॉल्व कर लेते हैं। साक्षी भी खुश हो जाती है, सुमित भी खुश हो जाते हैं, सुमित भी एक बाहर की औरत के चक्कर से छूट जाते हैं, और उस पर जो वो पैसा बर्बाद करते थे वो भी सुमित का बच जाता है। तो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, देखिए वो ऐसा ही होता है, दोनों अगर एक दूसरे को समझ के चलेंगे, सबकी अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान तो रखना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है, बट हम अपनी जो डेली रूटीन की लाइफ है उसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि हम वो चीज नहीं समझ पाते हैं कि आखिर करें क्या, किस चीज को कैसे हैंडल करें। और ऐसी जो स्टोरीज होती है ना, उनको सुनकर कभी कभी खुद को भी अजीब लगने लग जाता है कि हाँ कहीं ये सच में हो गया तो। और थॉट्स ऐसी होती है ना, अपने हस्बैंड पे, अपनी वाइफ पे चलनी शुरू हो जाती हैं, तो ऐसा देखिए प्लीज मत किया कीजिए, अपनी फैंटेसीज को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा कीजिए, ताकि आपकी वाइफ या आपकी फैमिली हर्ट ना हो, बिकॉज वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए, किसी भी कपल के लिए ये बहुत पेनफुल होता है कि उसका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ रिलेशन में है। तो मैं तो यही बोलती हूँ, फैंटेसी को मैं गलत नहीं बोलती हूँ, बट अपने कपल को हर्ट करना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।